हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे आप मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर में आप कैसे अपना डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस ऐप के ज़रिए हम कैसे किसी भी मास्टर रोल का अटेंडेंस फिलअप कर सकें और उस अटेंडेंस को हम कैसे NRSG सॉफ्ट पे हम कैसे अपलोड कर सकें। तो पूरा डेमो मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम आखिर तक देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो ऐप हमने इंस्टॉल किया था उसको हमें सबसे पहले ओपन करना है। और यहाँ पे देखिए, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें SMS द्वारा भेजा गया है, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा इस ऐप में। तो लॉगिन करने के बाद फर्स्ट टाइम डेटा डाउनलोड होगा, यानी कि कुछ फिनेंशियल ईयर डेटा, रोल कोड डेटा, लैंग्वेज सपोर्ट डेटा और एकदम आखिर में देखिए मास्टर रोल अटेंडेंस डेटा, ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक करके डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डाउनलोड होने के बाद अगर नीचे प्रोसीड बटन आ जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए, मेरा लगभग सब डाउनलोड हो चुका है और नीचे प्रोसीड बटन भी आ गया है, तो मैं सिर्फ प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जाएगा कि कैसे डिमांड क्रिएट करते हैं, कैसे एलोकेशन कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए और कैसे अटेंडेंस आप फिलअप कर सकते हैं, उसका एक डेमो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इसको नेक्स्ट करते जाइए और फाइनली देखिए, यहाँ पे नीचे गॉट इट ऑप्शन आएगा, नीचे जो नेक्स्ट बटन है वहाँ पे देखिए गॉट इट बटन आएगा। तो सिंपली गॉट इट पे आप क्लिक कीजिए, तभी देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, डेटा एंट्री और अपलोड डेटा। तो सबसे पहले आपको अटेंडेंस फिलअप करने के लिए डेटा एंट्री पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं डेटा एंट्री पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मास्टर रोल अटेंडेंस पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको स्कीम कोड मतलब वर्क कोड देना होगा, आप जिस स्कीम का भी अटेंडेंस फिलअप करना चाहते हैं उस स्कीम का वर्क कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा। आखिर के 5 या 6 डिजिट आप देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क कोड सिलेक्ट हो चुका है और अभी इस वर्क कोड के अंदर आज के डेट में जितने भी मास्टर रोल है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए MSR नंबर, तो यहाँ पे सिलेक्ट MSR नंबर पे आपको क्लिक करना है और जितना भी मास्टर रोल आज के डेट में है इस वर्क के अंदर वो आपको शो करेगा। तो सबसे पहले हम पहला वाला सिलेक्ट करते हैं 16081। तो अभी देखिए यहाँ पे डेट ऑफ अटेंडेंस आज का डेट है और यहाँ पे देखिए मास्टर रोल में जितने भी लेबर का नाम है उसका नाम और जॉब कार्ड नंबर भी आपको शो करेगा और उसके राइट साइड में देखिए एक बॉक्स है। तो जो वर्कर यानी लेबर आज प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट करने के लिए सिंपली जो राइट साइड पे जो बॉक्स है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए बिल्कुल ऐसे, मतलब कि ये प्रेजेंट है और अगर इस मास्टर रोल के अंदर सभी प्रेजेंट है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा देखिए ऐसे। और अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली उस लेबर के राइट साइड पे जो बॉक्स है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके पूरा फिलअप कीजिए और नीचे देखिए कॉन्फर्म अबव अटेंडेंस, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और फिर देखिए यहाँ पे आपको वर्कसाइट फ़ोटो और एंड वर्कर फ़ोटो, दो फोटो आपको यहाँ पे लेना होगा। उस फोटो को कैप्चर करने के लिए सिंपली ये जो कैमरा
आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वर्कर्स फोटो, तो देखिए आपका कैमरा ओपन हो चुका है। सिंपली आप जितने भी वर्कर प्रेजेंट हैं उनका फ़ोटो लीजिए और वही फ़ोटो देखिए यहाँ पे शो करेगा जो फ़ोटो आपने कैप्चर किया। तो सिमिलर तरीके से आपको वर्कसाइट फ़ोटो भी लेना है और उसके बाद सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपका अटेंडेंस फिलअप का जो प्रोसेस था, लेने का जो प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको ये जो अटेंडेंस आपने लिया है उसको एनआरईजे सॉफ्ट पे अपलोड करना होगा। उसके लिए बैक कीजिए और यहाँ पे देखिए अपलोड डेटा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड अटेंडेंस, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तभी यहाँ पे देखिए आपको मस्टर रोल नंबर, रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब कि कितना वर्कर्स प्रेजेंट है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा। और अगर सब सही है तो यहाँ पे अपलोड बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये एनआरईजे सॉफ्ट पे आपका अटेंडेंस अपलोड हो चुका होगा। तो फिर से आपको डेटा एंट्री में जाना है और वर्कआउट सिलेक्ट करना है, मास्टर रोल सिलेक्ट करना है, और ऐसे करके इस स्कीम के अंडर जितना भी मास्टर रोल आज है उन सारे मास्टर रोल का अटेंडेंस आपको सिमिलर तरीके से लेना है और वो अटेंडेंस आपको अपलोड भी करना है। तो यहाँ पे देखिए आप अटेंडेंस लेने का काम जो है वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अपलोड अटेंडेंस ये ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। इसको करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत ज़रूर होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो थ्री डॉट्स है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डाउनलोड मास्टर। जब भी आपके इलाके में कोई मास्टर रोल जनरेट होगा किसी काम का, तो उस स्कीम का अटेंडेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड मास्टर में जाके आपको डेटा को डाउनलोड करना होगा, तभी उस स्कीम का मास्टर रोल नंबर या फिर वर्ककोड आपके इस ऐप में शो होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में कुछ इस ऐप का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया है। तो मैं ट्राई करूँगा कि एकदम कुछ दिनों बाद ट्राई करूँगा कि एकदम फील्ड में जाके कैसे आप इस ऐप के ज़रिए अटेंडेंस को ले सकते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो के मदद से आपका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।